मैं सारे इंडियन स्टूडेंट को ये बोलना चाहूँगा कि वो यहाँ पे आए, यहाँ पे पढ़ाई करें और एक अच्छा इंजीनियर बने। और यहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं तो आपको कम से कम 26 से 28 जो कंट्रीज़ हैं सेंगेन, वहाँ पे जा के जॉब करने का, जॉब ढूंढने का आपको मौका मिलता है। इससे आपके पास एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना वीज़ा के आप वहाँ जा सकते हो, नौकरी कर सकते हो, ढूंढ सकते हो और ड्यूरिंग योर स्टडी आप जॉब कर सकते हो। क्योंकि आपको मैं एक इंटरव्यू दिखाऊंगा जिसमें एक स्टूडेंट यहाँ पे एज ए यूबर में जॉब कर रहा है और वो कम से कम 6 से 7 हज़ार डॉलर कमा लेता है और पूरी की पूरी फीस वो खुद ही पे कर लेता है। उसको अपने पेरेंट्स से या अपने फैमिली से कुछ पैसा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्टार्ट। सो ये हमारा एक स्टूडेंट है जो अभी पोलैंड में पढ़ाई कर रहा है इंजीनियरिंग का। तो ये पंजाब से है तो आपको बताएगा कि यहाँ पे ड्यूरिंग स्टडी आप काम भी कर सकते हो। ड्यूरिंग स्टडी काम भी कर सकते हो लीगली। और यहाँ पे अच्छा क्या हुआ, कहाँ से हो फिर? मैं जग्गा बठिंडा से हूँ। तो आप यहाँ पे लीगली काम भी कर सकते हो स्टडी के दौरान और लाइक अच्छे पैसे भी बना सकते हो। लाइक आपकी ट्यूशन फी भी आप खुद भर सकते हो, लिविंग एक्सपेंसेस भी आप खुद उठा सकते हो वी आर स्टडीज के साथ साथ। ऊबर हो गया, टैक्सीफाई हो गया, यहाँ पे नॉर्मली स्टूडेंट्स टैक्सी भी चला रहे हैं। अच्छा, तो वर्किंग आवर कितना मिलता है आपको? वर्किंग आवर वैसे ही एक वीक में 21 आवर्स है। मतलब आपकी फीस आप खुद निकाल लेते हैं? हाँ जी, हाँ जी, फीस खुद निकाल लेते हैं। तो कैसा लगता है पोलैंड? मतलब बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा है, बड़ा नाइस है वारसो। अगर आप नाइस हो, अगर आप इसके कल्चर के साथ आगे बढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली नाइस है। हम बाहरली कंट्री में आ गए हैं तो ऑब्वियसली अगर इनके कल्चर में आए हैं तो इनके कल्चर को सीखना पड़ेगा। कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो आप? पॉलिटेक्निक वर्षावस का। और कौन सा, क्या कोर्स? सिविल इंजीनियरिंग बैचलर्स। अच्छा, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।